हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि पबजी बंद होने वाला है इंडिया में, बट आपको ये आजकल सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक भी बंद होने वाला है इंडिया पे। तो क्या है इसका रीजन जो टिकटॉक बंद होगा इंडिया पे, आज इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। टिकटॉक जो है इंडिया में बैन होने वाला है। अगर आप टिकटॉक यूजर हो तो यहाँ पे आप लोग के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑफिशियल आदमी, मैंने जैसे कहा तो यहाँ पे तमिलनाडु के आईटी जो मिनिस्टर है उन्होंने खुद ही कंफर्म किया कि टिकटॉक ऐप जो है वो होने वाला है बैन। उन्हें खुद उन लोगों ने खुद असेंबली में बात किया है और ये बात दिल्ली तक पहुंचने वाली है, तो आप इन्हें हल्के में मत लो। ये वही इंसान है जिन्होंने ब्लू व्हेल को बंद किया था। एप्स बंद होने की मतलब ये नहीं है कि आजकल के अंदर हो जाए, ये बारे बात चल रही है असेंबली में, फिर ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। अगर वैलिड रीजन होगा तो ही ऐप बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट वैलिड रीजन हम खुद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी दे रहे हो। आपने काफी देखा होगा कि आजकल टिकटॉक में बहुत ऐसे वीडियो आते हैं जो नहीं होने चाहिए, अगर वीडियो आते भी हैं तो बहुत कुछ गलत दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा एक वीडियो हुआ था इसमें तेरा काटा जो वायरल वीडियो, चार लड़की खड़ी होकर ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे जो कि मतलब कोई भी देखता है तो मतलब उसे बुरा लगेगा। और आए दिनों पर ऐसी टाइप की वीडियो बहुत आते हैं, मतलब कुछ वीडियोस बनते भी हैं तो उसे इतना बुरा बना देता है, मतलब बना देते हैं ड्यूट करके, मतलब जो मतलब लोग देखे तो उस पर कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये बहुत ही गंदी चीजें होती है, बहुत ही गंदी चीजें मतलब कहने की कोशिश करती है उस वीडियो पे। तो ऐसे वीडियो आए दिनों पे बहुत सारी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे और फैमिलीज पे इंपैक्ट पड़ती है। देखो अगर कहीं ना कहीं हमारे सामने वीडियो चल जाए तो ठीक है, बट अगर ये चीजें घर पे बैठे हुए सबके सामने चलती है तो कितना लोगों को बुरा लगता होगा। तो इसकी वजह से यही सारी रीजंस हैं जो मतलब इस एप्स को बंद करने के लिए बताया गया है। देखो भैया, टिकटॉक और पबजी अगर दोनों बंद हो जाते ना इंडिया में तो बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है लोगों, मतलब कई लोगों का मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एप्स जो है, ये गेम जो है बहुत लोगों का जिंदगी बनाया है, जिंदगी चल रहा है इससे, रोजी रोटी चल रहा है। जैसे कि पबजी की बात करो तो लोग लाइव स्ट्रीम से कहां पहुंच गए, और जब टिकटॉक की बात करा जाए तो टिकटॉक भी वीडियोस बना बना के लोग कहां से कहां पहुंच गए। जैसे आप लोगों के सामने लाइव है, लोग सामने आ रहे हो जो टिकटॉक से फेमस हुए, चाहे वो फेजल हो, चाहे वो अदनान हो, 07 टीम और भी बहुत सारे हैं। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि टिकटॉक और पबजी के बारे में, अगर जब ये बंद हो जाता है तो घंटा उन लोग को फर्क पड़ेगा जो ये जिन्होंने बनाया हुआ है इस गेम को या इस ऐप को, क्योंकि वो अगर बंद होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम लोग को जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐप है, ये जो गेम है, बहुत सारे जनों का मतलब एंटरटेनमेंट का एक पर्पस बन चुका है इंडिया पे स्पेशली। तो हम अगर इससे सही से लेके चलते हैं, तो अगर ये चीजें सारे जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। अगर जब हम ही इसे बर्बाद करेंगे, हम ही इसे बुरी तरह से यूज करने लगेंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज बंद हो जाएगी आपके टाइम पे। तो बस यही सारे रीजन है जो टिकटॉक बंद होने वाले हैं। एंड अगर जब मैं इसके बारे में बुरी बातें बोल रहा हूँ तो अच्छी बातें भी मुझे बोलना लाजमी है। देखो, ये ऐप एक ऐसा ऐप है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, हजारों लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, इससे आज उन्होंने मुकाम पहुंचे हैं, उन्होंने सेलिब्रिटी आज कहलाने में मतलब कहलाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, एक टाइम हुआ करता था कि अगर आपके पास एक्टिंग स्किल है तो आपको मतलब एक्टर बनना है या फिर मॉडलिंग करना है, तो आप सोचते थे यार मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट अब के टाइम पे अगर आपके पास टैलेंट है ना, तो आप भैया इस वीडियो पे, इस ऐप पे अगर आप दिखा दोगे ना, अगर आपकी वीडियो सही पे अगर कुछ दमदार होगी तो आपको खुद ब खुद आपके पास ऑफर्स आने लगेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के पास आए। और हाल फिलहाल आपको पता है जो गुटखा भाई है उनके पास भी आया ऑफर, 20 मिलियन प्लस वीडियोस उनकी व्यूज जा चुके हैं यूट्यूब में। तो आपको पता चल गया होगा कि इस ऐप से कितने जन का घर बसा है। रिसेंटली एक लड़का जिसे वीडियो बनाया, सागर गोस्वामी नाम है उसका, उसका चैनल हैक भी हो गया आई थिंक, मैंने सुना था। तो वो भी मतलब आप देख सकते हो, एक एक दिन पे लोग इसमें वायरल होता है वीडियो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप वीडियो क्या बना रहे हो, अगर सही पर्पस होगा तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हाँ, कुछ चीज़ें आपको आपके टाइम पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा टिकटॉक का भी, अदरवाइज आपका वीडियो टेकडाउन हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जो गंद फैल रही है टिकटॉक पे, इसे आप अगर नहीं सुधारते हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट यही होगा कि आप ये ऐप से हाथ धो बैठोगे। तो अगर आपको ये ऐप बचाना है तो आपको ये सारी चीजें बंद करनी होगी, ये सारी चीजें मत बनाओ। अगर जब आपके पास टैलेंट है तो यार टैलेंट से वीडियो बनाओ यार, आपका वीडियो लोग जरूर देखेंगे। और आपका एक्टिंग स्किल्स में या फिर आपका वीडियो अगर 15 से 20 सेकंड या एक मिनट के अंदर कुछ ऐसा एंटरटेनिंग होगा ना, आप देख रहे हो, आपको लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे। तो ये सारे ड्यूट वगैरह मत बनाओ, गलत चीजें मत करो, लोग हजार देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो फिर जाहिर सी बात है बुरा ही होगा, बुरा चीजों का बुरा नतीजा होता है, बुरा अंजाम होता है। तो बस यही होगा और उसका कोई रीजन नहीं है। तो बस यही बोलना चाहता था इस वीडियो पे कि आप अगर कर रहे हो ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें होती रही तो टिकटॉक को कोई नहीं बचा सकता, और ये टिकटॉक खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास, और फिर यूट्यूब में वीडियो देखते रहोगे जो पुराना टिकटॉक का है। तो बस यही मैं बताना चाहता था टिकटॉक के बारे में, आज जो मैं वीडियो बनाया हूँ।
तो बस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दिल से लाइक, वरना डिसलाइक भी नहीं, सीधा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज आकिब साइनिंग आउट, बाय बाय।